हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोवो मोटो। और आप देख सकते हैं मैं अभी बेसिकली खड़ा हूँ टाटा पंच एडवेंचर सीएनजी के साथ, और ये बेसिकली BS6 फेज 2 इंजन है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की, तो ये बेसिकली मोवो मोटो की खुद की प्रॉपर्टी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आखिर बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में हमने इसको ही क्यों चुना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस को हमने शॉर्टलिस्ट किया था इस पंच को खरीदने से पहले। तो एक तो पंच इटसेल्फ थी, इसके अलावा हमने बेसिकली यहां पर चुना था हुंडई की एक्सटर और मारुति की फ्रॉन्क्स, जो आसपास की प्राइसिंग में 9.6 के अराउंड ऑन रोड कॉस्ट करती हैं। फिर हम एलिमिनेशन पे अगर आते हैं, तो आप देखेंगे तो अभी आपके सामने ये बेसिकली पंच एडवेंचर खड़ी है, जिसको हमने इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चुना। उसके पीछे रीजन क्या था कि अगर बात करें एक्स्टर की, तो एक्स्टर बेसिकली हुंडई i10 नियोस के प्लेटफॉर्म पे बनी है, और अभी तक उसकी कोई सेफ्टी रेटिंग रिवील्ड नहीं है या फिर वो एनकैप टेस्टिंग में नहीं गई थी। ऑल्दो उसका इंजन काफी अच्छा है 4 सिलेंडर, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी था कि लॉन्ग रन में माइलेज भी थोड़ा कम मिलता। बट प्लस पॉइंट उसमें भी है कि उसमें एक जो इंजन की लाइफ है 4 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू पंच। अगर यहाँ पर देखेंगे फ्रॉन्क्स को रिजेक्ट करने का रीजन, तो अगेन सेम ही चीज था, कुछ सिमिलर कि जो बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मुझे कंसर्न था। और ओवरऑल जब हमने इस BS6 फेज 2 वाले इंजन के पंच को देखा, तो ये काफी बदल चुकी थी। यानी 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी अगर आप इसको कहीं टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं जो 2022 वाला मॉडल था या 2023 हाफ में जो आया था, वहां पर आपको अंदर काफी ज्यादा इंजन नॉइज देखने को मिलती थी। और इस वाले इंजन में अब ऐसा कोई इशू नहीं, आप अंदर बैठ करके काफी शांत फील करने वाले हैं। थोड़ा सा बाहर का जो नॉइस है वो आपको बाहर आने पे डेफिनेटली एविडेंट होगा, बट ओवरऑल जो नॉइस का इशू था अंदर केबिन में वो बिल्कुल नहीं है। वाइब्रेशंस भी लगभग ना के बराबर हो गया है। अब आप कहीं ना कहीं इसको नेक टू नेक कंपेयर कर सकते हैं मारुति के इंजन के साथ, जो 3 सिलेंडर वाला है, जो अभी बहुत सारे गाड़ियों में आपको मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन के साथ तो अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं इनवेस लेवल को, बट ओवरऑल देखेंगे तो 3 सिलेंडर में अभी काफी इम्प्रोवाइज इंजन है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इस पंच एडवेंचर सीएनजी को चुना। बात आती है कि एडवेंचर सीएनजी को ही क्यों चुना, इसके आगे और भी ऑप्शंस थे। ऑफकोर्स अगर देखेंगे तो अगर हम इसके थोड़ा से अपर मॉडल में जाते, तो यहाँ पर इसमें एक रिदम पैक का ऑप्शन मिलता, जो टाटा पंच एडवेंचर रिदम होता है, जिसमें एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे एक कैमरा का इंस्टॉलेशन मिल जाता। बट उसके लिए सिर्फ 2 फीचर्स के लिए आपको कॉस्ट करना पड़ता है यहाँ पर पे अराउंड 45,000 रुपीज का, जो मुझे वर्थ नहीं लगा। और जो एक बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलता है। और मुझे लगता है कि हमेशा अगर कोई आप गाड़ी खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस तो आपको 4 साल गाड़ी चलाने के बाद भी है कि आप आफ्टर मार्केट एक अच्छे ब्रांड का कोई भी ऐसा फिटमेंट ले सकते हैं। आपकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी हो जाएगी, और आपका जो ओवरऑल एक तरह से बाइंग कॉस्ट है या फिर जिस पे आप EMI पे करते हैं, जिस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको खरीदने का। जो डीलरशिप है, दैट इज पुनीत ऑटो सेल्स। स्टार्टिंग में ओवरकॉल हमने इंक्वायरी करी, ओवरकॉल ही हमने बुक कर दिया, क्योंकि मैं एज एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट किसी भी तरह का मुझे प्रोडक्ट को लेकर के कंफ्यूजन नहीं था। मैं इसके पहले भी इस गाड़ी का रिव्यू कर चुका हूं, बट क्योंकि अब मैं इसको ओन कर रहा हूं, तो आपको एक बेहतरीन एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मिल रहा है अब तक का, कि किस तरह से हमने इसको खरीदा और अब तक मैंने क्या क्या इसमें चीजें आइडेंटिफाई करी। तो वहां पर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, दैट वाज 8.6, जो हो सकता है कि मेरे लिए हो, सबके लिए प्राइसिंग ना हो, बट 8.6 में उन्होंने मुझे इस गाड़ी को ऑन रोड देने का कमिटमेंट किया। और मैं कुछ और डीलरशिप को इंक्वायरी करा, तो मुझे 8.5 का मिल गया। मैं यहाँ इस डीलर से नेगोशिएट किया कि 10,000 का जो डिफरेंस अमाउंट है, एटलीस्ट आप उसमें हमको सीट कवर दे दीजिएगा। बट जब ऑन टेबल डिस्कशन होने लगा, तो उन्होंने ये रीजन दिया कि ये गाड़ी आपकी सिर्फ इसी महीने नवंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस पे ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप किसी और डीलरशिप में जा रहे हो, तो हो सकता है आपको 1-1.5 महीने पुरानी गाड़ी दे रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा रीजन जो था वो लाइक ऑब्वियसली बीइंग एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट, मुझे लगा कि हाँ, ये एक जेन्युइन रीजन है। ठीक है, मुझे अगर 10-15 दिन और नई गाड़ी मिल जा रही है, तो वो 10,000 इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेक मंथ जो हो जाएगा वो नवंबर का होगा, और आगे आपकी रिसेल वैल्यू आपके रजिस्ट्रेशन डेट पे कभी डिपेंड नहीं होती है, वो आपके मेक ईयर और मंथ पे डिपेंड होती है। तो ये भी आप गाड़ी खरीदने टाइम जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप दिसंबर में गाड़ी खरीद रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर से अगर ऊपर की गाड़ी है, तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए। 1-1.5 महीने पुरानी गाड़ी आप उठा सकते हैं, उससे ऊपर की हो तो आप डीलर से डिस्काउंट मांग सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं लेने के लिए। अब बढ़ते हैं इसकी डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है और क्या हमने इसमें एज एन एक्सेसरी डीलरशिप से लिया है।
तो बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो आप देख सकते हैं काफी एग्रेसिव लुक है। स्पेशली मैं यहाँ पर एक और चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये कलर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक का क्रोम पियानो ब्लैक इंसर्ट है, और ये जो कलर है ग्रे है। आप रोड प्रेजेंस देखेंगे तो बाकी जो पंच है इस सेम वेरिएंट सेम मेक सेम मॉडल अगर देखेंगे, अगर कलर ऑप्शन आप दूसरा चुनते हैं तो रोड प्रेजेंस इतना आपको प्रीमियम नहीं लगेगा फॉर श्योर, क्योंकि ये गाड़ी आपको काफी प्रीमियम लगती है देखने में अपने कलर ऑप्शन की वजह से। हाँ, इसके अलावा एक कलर और भी है जो आपका मिंट ग्रीन वाला जो कलर ऑप्शन है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। व्हाइट कहीं ना कहीं इतनी इस पर्टिकुलर गाड़ी पे इतनी लाइक प्रीमियम फील नहीं कराती है, तो ये एक ऑप्शन आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए अगर आप लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये हॉट सेलिंग कलर ऑप्शन भी है, तो आप इसके लिए ही जाएं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज कलर की चॉइस आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लो बीम या टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको हाई बीम इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है। जो ओवरऑल डिजाइन है फ्रंट का वो काफी अग्रेसिव है, ये भी एक फैक्टर था बाकी ऑप्शंस में इसको चुनने का, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे टेक्सचर को तो वो कहीं ना कहीं अभी भी एक प्रॉपर माइक्रो एसयूवी वाली फील जो है वो उसमें बैठ करके नहीं आया। दूसरा यहाँ 15 इंच टायर भी एक रीजन था इसको इसके साथ जाने का, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर टायर की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन प्रोफाइल मिलता है, दैट इज 185/70R15, 15 इंच का आपको प्रॉपर यहाँ पर एक व्हील देखने को मिलता है। व्हील कैप भी काफी अप मार्केट लगता है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इंफीरियर फील नहीं आता इस टायर में, तो ये भी एक रीजन था ओवरऑल यहाँ पर चुनने का। और ये क्लैडिंग स्पेशली मुझे जो एक माइक्रो एसयूवी का फील के लिए जरूरी होता है वो आपको यहाँ पर जो थ्रू आउट कार देखने को मिलता है, ये भी इसको कहीं ना कहीं एक रगडनेस प्रोवाइड करता है, और बैठने के बाद का भी जो फील है वो भी बाकी दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में इसका काफी अलग है। और अब जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है इस पर्टिकुलर 2024 का, वो काफी एडवेंचरस जो डिजाइन इंसर्ट है वो आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलता है, वो भी प्लस पॉइंट है। अब अगर रियर लुक की बात करें तो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट जो ये सारे अभी इंसर्ट्स हैं जो अब बदले हुए नजर आते हैं, इसकी वजह से इसका जो रियर प्रोफाइल भी है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। स्पेशली मुझे ये जो बैजिंग है ये काफी इनोवेटिव लगता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सबसे इनोवेटिव चीज होता हो जाता है इसका डुअल सिलेंडर, क्योंकि ये इन्वेंटर हैं, इन्होंने ही पहले कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इजाद किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, क्योंकि डुअल सिलेंडर बनाने में अब टाटा का एक्सपीरियंस बाकी इसके कंपेरिजन में काफ़ी बढ़िया हो चुका है। और ये बेसिकली पार्सल ट्रे है जो आपको कुछ इस तरह से देखेंगे रबर इंसर्ट के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पर डुअल सिलेंडर वाला जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलता है। अब अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से वाइट रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह है। ओवरऑल यहीं से अगर आप देखेंगे तो काफी जो अंदर का लुक है वो काफी प्रीमियम लगता है, और आप अगर किसी गाड़ी को इस नज़र से भी देखना चाहते हैं तो कभी आप गाड़ी को पीछे से ओपन कराइए और यहाँ से अपने थ्रू आउट केबिन को देखेंगे, तो वहां से भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगा कि दोनों सीट्स के बीच का गैप कितना है, और किस तरह से यहाँ से थ्रू आउट केबिन आपको देखने में क्या अपियरेंस क्या लुक देखने को मिलता है। ये भी मैंने चीज़ ट्राई करी थी फ्रॉन्क्स में और एक्सटर में, जो मुझे ऐसा फील किसी और गाड़ी में नहीं आया था, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली मैंने इस गाड़ी को चुना है इन तीनों ऑप्शन में। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एक लाइट भी देखने को मिलती है जो एक अच्छी चीज़ है, और अगर हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश करें तो आपको यहाँ पर दो लाइट्स मिल जाती हैं, कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल भी है, तो ओवरऑल एक माइक्रो सीवी वाली जो फील है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो मैट फिनिश में यहाँ पर प्लास्टिक इंसर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ से आप इसके रियर डोर को ओपन करते हैं। अब इसमें रियर डोर्स में देखेंगे तो पूरा 90 डिग्री वाइड ओपन होता है, ये कुछ कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने कंसिडर किया है वो आपको यहाँ पर आइडिया लग पा रहा होगा। और कुछ इस तरह से ये जो इंसर्ट है मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर है, और ये जो मैट है ये बेसिकली एज एन एक्सेसरी हमने परचेज किया है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पर मिनिमल हम्प होता है, तो तीन लोग बहुत आराम से बैठेंगे, ये भी ऑप्शन आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है किसी गाड़ी में। अब सीट की बात करें तो प्रॉपरली ये बेंच ही है, कोई इसमें 60-40 का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता इस वेरियंट में, बट ओवरऑल ये वेरियंट मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। जैसे कि अगर आपका बजट अराउंड 9 लाख रुपीज़ है या 8 लाख 60-70 थाउजेंड भी है तो आपको ये मिल जाएगा। और ये भी आप देखेंगे तो ये मैंने एक्सेसरी बेसिकली टाटा की जेनविन एक्सेसरी के तौर पे लिया है सीट कवर, जो आपको 8,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी के जो इंटीरियर से काफ़ी ठीक ठाक मैच हो जाता है, क्योंकि कलर देखेंगे और इंसर्ट्स देखेंगे सारे सिमिलर ही हैं।
ये भी एक्सेसरीज मैंने वहीं से ली है जो अराउंड 1700 कॉस्ट करता है। आपको एक्सेसरीज का भी आइडिया लग जाएगा। और अगर आप वैल्यू पैक में जाते हैं तो आपको 14,000 पे करना होता है, जिसमें आपको ये बेसिकली मिल जाएगा यहाँ पर डोर वाइजर, साथ में आपको ये मैट, ये सीट कवर, इसके अलावा मड फ्लैप भी मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे तो एक बॉडी कवर भी देखने को मिलता है, मैं अभी उसको भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रीमियम फील है यहाँ पर बैठने के बाद आपको, वो फॉर श्योर आने वाला है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो प्लास्टिक को टच करते ही आपको लगता है कि काफी स्ट्रांग प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, कुछ इस तरह से केबिन लैंप है, तो ये सारा फैक्टर है। अगर कीज भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फॉलो मी हेडलैम्प लॉक एंड लॉक के साथ देखने को मिलता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पर बेसिकली ये जो फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर देखने को मिलता है वो एक बेहतरीन पार्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का अब इंजन का प्लेसमेंट है और इस पर्टिकुलर सीएनजी वेरिएंट में। यहाँ से आपको अपना बेसिकली बोनेट ओपन करना होता है और यहाँ कुछ इस तरह से आपको इस हुड को उठाना होता है। और ये भी एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आपको शोरूम जाना ही पड़ेगा और इसको उठा के देखना ही पड़ेगा, और तब फिर आपका कंफ्यूजन और क्लियर होगा कि आखिर इसे क्यों लेना चाहिए। ऊपर क्लैडिंग है, ये इसका जो वजन है ये आपको फील करना चाहिए। जब भी आप ये सारी गाड़ियां देखने जाते हैं तो आपको वो फील करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर ये VS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं पंच एडवेंचर 1.2 VS6 PS2 ये इंजन लगा हुआ है और ये CNG इंजन है। और यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि ये BS6 है या BS6 फेज 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ तरह से ABS का यूनिट है, कुछ इस तरह से ब्रेक ऑयल, और यहाँ पर कूलेंट वाइपर के लिए आप यहां पर फ्लूड इंसर्ट करने वाले हैं। और ओवरऑल ये एर्गोनॉमिक्स भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है इस पर्टिकुलर इंजन का, और इसकी वजह से जो एनवेच लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है जो आपको यहां पर ये इंसर्ट देखने को मिलता है। तो ये भी फैक्टर था कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है सेफ्टी रेटिंग को लेकर के तो एक बार इस बोनेट को उठाइएगा, तीनों गाड़ियों का आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का यहां पे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है टाटा की तरफ से। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी गाड़ी को चुनने का। अब बात करते हैं अंदर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी एक प्रीमियमनेस जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। मैं फॉर द टाइमिंग इसको म्यूट कर देता हूँ। अब देखिए कुछ जो नॉइस है अंदर, अब स्टार्ट होने के बाद अगर मैं फैन स्पीड को बिल्कुल बंद कर दूं तब आप देख सकते हैं कि लगभग आपको ना के बराबर कोई इंजन नॉइस देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि मैं एक बार डोर ओपन करके देख लेता हूँ, कुछ इस तरह से आपको ऑल 5 डोर वार्निंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हैंडब्रेक का एम्बलम आ रहा है और अभी तक हमने आप इसको 225.4 किलोमीटर चलाया हुआ है। यहाँ RPM का मीटर है, ये CNG का एम्बलम है, ये पेट्रोल का एम्बलम है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये CNG पर ही स्टार्ट होती है, इसको पेट्रोल से CNG स्विच करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से CNG की बैजिंग जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। अब यहाँ पर पूरा चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक, ऑल्फो पावर विंडोज, और यहीं पर आपको इस पर्टिकुलर मिरर का एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, रिट्रैक्टेबल है, और यही मेरी ज़रूरत थी। यानी मुझे बहुत सारे फीचर्स की फॉर द टाइमिंग एक ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट के साथ ही जाना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक एक्स्ट्रा होल, जिसका कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके टॉप एंड मॉडल में यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है 12 वोल्ट का, इसकी वजह से ये जो स्पेस है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 2 कप होल्डर हैं, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आर्मरेस देखने को मिलता है, हैंडब्रेक देखने को मिल जाता है, और ये कुछ इस तरह से मैनुअल AC है। और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट है, ये एक्स्ट्रा स्पेस बनाया गया है ऑक्स के लिए जो इस वेरियंट में नहीं मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो जो चीज़ें नहीं मिल रही वो भी आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिफॉगर वगैरह का जो बटन है वो देखने को मिल रहा है, और कुछ इस तरह से आप देखेंगे अपने एयर फ्लो के डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैनुअल AC है ना, ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम इंसर्ट्स के साथ देखने को मिलता है, तो कहीं ये फील नहीं होता कि आप एक लाइक मैनुअल AC वाले वेरियंट के साथ जा रहे हैं। यानी एक फील जो है ना वो प्रीमियम होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप मैनुअल AC के साथ जाएँ चाहे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ जाएँ। ये जो बटन्स हैं आप देखेंगे कितना डिस्टेंस है दोनों यहाँ पर इस पर्टिकुलर
इंफोटेनमेंट में और इसके कंट्रोल्स में। तो ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा कि जनरली जो एक सिस्टम माउंटेड सारे कंट्रोल वाले सिस्टम्स होते हैं वो मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते। स्पेशली मुझे ये जो वुडन फिनिश है और यहाँ पर देखेंगे जो कलर है, ये टेक्सचर्ड है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये प्रॉपर टेक्सचर्ड वाला देखने को मिलता है। और ऊपर भी काफ़ी सिंपलिस्टिक एक स्पेसियस डिज़ाइन है जिसमें बहुत मिनिमल डिजाइनिंग का तरीका आया है, वही चीज़ें फॉलो करी गई हैं कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो। प्रॉपर यहाँ पर बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, अंदर आपको टैबलेट होल्डर भी देखने को मिल जा रहा है। अब बात करें अगर सिटिंग कंफर्ट की, तो जैसा कि मैं अभी बैठा हूं आप देख सकते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है, ऑल्दो इसमें कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। हाँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रख रहा था, बट ठीक है, अगर हम इसके बाद वाले मॉडल में भी जाते तो भी वो मुझे देखने को ना मिलता, तो वो एक तरह से फिर बजट और ही ज़्यादा मुझे अपना बढ़ाना पड़ता। तो अगर जैसा कि एक वाइज डिसीजन लेना होता है कि गाड़ी एक नीड है और एक जो नेसेसिटी फीचर्स हैं सेफ्टी है वो सारा चीज़ आपको चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। अब जैसे देखें तो फिर यहाँ पर बेसिकली आर्मरेस्ट भी मिसिंग है, वो भी आपको डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा अगर नीड होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट मेरी ऐसी नीड नहीं थी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपका भी कुछ थॉट प्रोसेस मेरे ही जैसा है और आप किसी वेरिएंट में भी कंफ्यूज हैं तो वो आप उसके लिए भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको ऑल फोर स्पीकर्स चाहिए होते हैं, एक अच्छा इंफोटेनमेंट चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए होता है, मिरर के कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, ऑल फोर पावर विंडोज चाहिए होते हैं। ये एक बेसिक नेसेसिटी है आज की डेट में गाड़ी लेने का, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये सारा चीज़ मुझे इसमें मिल रहा था। तो ये सारे फीचर के साथ अगर 875,000 में आपको इस तरह की गाड़ी विद डुअल सिलेंडर सीएनजी के साथ देखने को मिल रही है, दैट टू विद अराउंड 30 पर केजी का माइलेज अगर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एज एन प्रोडक्ट आपको एक बार जरूर इसको चेकआउट करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकता कि आप इसी के लिए जाओ, बट कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसको हमने एलिमिनेट करते हुए इस पंच को चुना है, वहां से आपको एक बेहतरीन आइडिया लग जाएगा। अब अगर ड्राइव का एक्सपीरियंस बताएं तो इसको परचेज करने के बाद जस्ट बाद में इमीडिएट इसको 200 किलोमीटर चला करके अपने होम टाउन आया था। अब हाईवे पे स्टेबिलिटी टॉप नॉच है, मतलब ये फील मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई हैं नहीं मिला है इस बजट में। सेकेंड पॉइंट कि जब आप इसका स्टीयरिंग है, एक बार अभी ये गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी गाड़ी में ऐसा फील आई डोंट थिंक कि आपको जल्दी कहीं मिलने वाला है, ये एक दूसरा फैक्टर था। सेकेंड, जब हम इसको कहीं पॉट होल्स में लेके गए, कुछ ब्रेकर्स आए, एकदम प्रीमियम फील आता है। जो थर्ड है ना उसका, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्रीमियम फील कराता है आपको, वहां पर भी बहुत प्रीमियम फील होगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो फ्रॉन्क्स वगैरह में देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल आफ्टर बाइंग दिस कार आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मुझे अभी तक जो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसका लॉन्ग टर्म वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अभी 5,000 पे, 50,000 पे सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, टाटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आपको अगर लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी को ओन करते हैं कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप जुड़ सकते हैं, सीएनजी में माइलेज वगैरह को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब क्योंकि अभी अराउंड 225 किलोमीटर्स में से 14 किलोमीटर्स चली हुई गाड़ी मिली थी, ये भी मैं आपको मेंशन करके बता दे रहा हूँ, मुझे टोटल 14 किलोमीटर्स ये चली गाड़ी मिली हुई थी और सिर्फ 1 नवंबर की मैन्युफैक्चरिंग थी, एक दिन पहले ही यार्ड में उतरी थी जिस दिन मैंने डिलीवरी ली। तो आप ऐसी डिमांड अपने डीलरशिप से कर सकते हैं कि कम चली गाड़ी चाहिए, रीसेंट मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी चाहिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं गाड़ी को खरीदने के लिए। तो हो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई होगी। अभी मैं इसको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसा फील करने वाले हैं। तो चलते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कोई आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता इस वेरिएंट में, तो मैं कुछ इस तरह से इस की को इंसर्ट करता हूँ और बस एक मिनिमल सा आपको जो क्रैंक है, स्टार्टिंग क्रैंक, वो आपको सुनाई पड़ता है, और इसके बाद जो इंजन नॉइस है वो ना के बराबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे मैं इसको, इतनी लाइट स्टीयरिंग है कि इसको घुमाने में आपको किसी भी पॉइंट पे बहुत मेहनत करके नहीं करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस गाड़ी के साथ, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, कोई कैमरा नहीं है इस वेरिएंट में। अब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो टॉप नॉच है, जैसा मैंने बताया कि एक प्रीमियम जो आपको थर्ड है पॉट होल्स को इसको
कैटर करने का, यानी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है इसमें, काफी बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप है। आपको किसी भी छोटे मोटे या बड़े भी गड्ढे में कुछ आपको ऐसा मेजर प्रॉब्लम फील नहीं होता है। अब क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी गाड़ी को, आपको सीएनजी में अगर देखेंगे तो पहले गियर में क्या पावर है, सेकेंड में क्या पावर है, तो देखो उठाने में इसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप ऑन हाईवे इसको लेके चलते हैं और एक दूसरी गाड़ी को आपको ओवरटेक करना होता है, तो अचानक से अगर आपने ब्रेक लगा दिया है, आपकी स्पीड कम हो गई है, तो इमीडिएट पंच नहीं मिलता है। वो डेफिनेटली एक तरह से पॉइंट है कि फोर सिलेंडर के साथ शायद वो आपको इशू ना हो, बट थ्री सिलेंडर होने के बाद जो इंस्टेंटेनियस ऑन स्पॉट पावर चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अब जैसे मैं अगर एक बार हाईवे पे आ गया तो मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि मैं इसको लगभग हाईवे सर्विस रोड पर चला रहा हूँ, देख सकते हैं कि काफी स्मूथली ये इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करती है गाड़ी। और ओवरटेक में जो मैं बता रहा हूँ कि फोर सिलेंडर की कमी वहां पर थोड़ी सी लगती है, जब आप कहीं एक हाई स्पीड में 80-90 में क्रूज कर रहे होते हैं और आपको एक किसी 100 वाली गाड़ी को ओवरटेक करना होता है, तो इमीडिएट अगर आप एक बार इस एक्सेलेटर पे प्रेस करते हैं तो आपको पंच नहीं मिलता है। वो सीएनजी में ही स्पेशली आपको फील होगा, पेट्रोल में ऐसा नहीं है। तो देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो है एक ड्राइविंग फैक्टर में, बट हाँ स्टेबिलिटी हाईवे पे वो टॉप नॉच है, उसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ओवरटेक करना आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उस टाइम पे आप कितने अच्छे से एक्टिवली ड्राइव कर रहे हैं, और पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, वो एक फैक्टर है। अगर इमीडिएट आपको चाहिए कि पोस्ट मिल जाए और मैं एडवेंचरस कुछ ऐसी एक्टिविटी कर पाऊं, वो डेफिनेटली इसके साथ होने वाला नहीं है। तो आप एडवेंचर अगर चाह रहे हैं वो भी सीएनजी में, तो वो भूल जाइए। उसके लिए आपको फिर किसी फोर सिलेंडर थोड़ा सा और पंची और पावरफुल इंजन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो काम आपके थ्री सिलेंडर्स थ्री पिस्टन्स करते हैं उस गाड़ी में वो चार पिस्टन्स करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि इंजन में थोड़ा सा पावर भी बेटर मिलती है, और क्योंकि हर एक पिस्टन पे लगभग 20% का लोड कम पड़ता है, उसकी वजह से इंजन की लाइफ बड़ी थोड़ी ज्यादा रहती है। यानी अगर ये 12-13 ईयर्स इजिली चलेगी तो वो कहीं ना कहीं 15 ईयर्स तक उस फोर सिलेंडर इंजन की लाइफ होती है। बट हाँ क्योंकि चार पिस्टन्स में आपके एक तरह से फ्यूल बर्न हो रहे हैं, तो आपका जो माइलेज है वो कम होता है फोर सिलेंडर इंजन के साथ, तो आपको उतना बेहतर माइलेज फोर सिलेंडर इंजन में नहीं मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से अवेयर हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है इस गाड़ी से वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ऐसी चीजें आप इस गाड़ी से कर पाएंगे और ये चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी तरह का कोई एडवेंचरस ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए तो वो होने वाला नहीं है। हाँ अगर करना है तो आप इसको पेट्रोल पे स्विच कर लीजिएगा उस मोमेंट के लिए, जहां पर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ ऐसा एडवेंचरस कुछ फैक्टर है जो आपको करना है, आपको थोड़ा बहुत वहां पर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये थ्री सिलेंडर इंजन है तो आपको वहां पर भी कुछ ऐसा वाव एक्सपीरियंस तो होने वाला नहीं है। तो हो फ्रेंड्स जो ये वीडियो है, ये मोस्ट पॉसिबल जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, बट क्योंकि जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बियॉन्ड इन सारी इन्फॉर्मेशन को जा लेकर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं आपके दिमाग में जो कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली जैसा कि इसके पहले मैंने एस्पेसो का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, मैं अभी भी उसको ओन करता हूँ, वो भी गाड़ी मेरे पास है और वो भी सीएनजी में ही थी, और उसको आप लोगों ने काफी पसंद किया था, अराउंड 1 लाख व्यूज आ गए थे उस पे बीइंग अ स्टार्टिंग फेज ऑफ द चैनल। बट अब इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको आप ठीक ठाक प्यार देंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर पंच की प्लानिंग है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एक ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल रिव्यूज करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।